हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मेरा टॉपिक है हाउ टू यूटिलाइज लॉकडाउन पीरियड। आप अपने लॉकडाउन पीरियड को कैसे यूटिलाइज करें, जो देश में और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस है उसके चलते पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स इस समय मानव के सामने हैं। उसमें सब स्टूडेंट्स इस समय पर घर में हैं और आजकल जो है उनकी पढ़ाई लिखाई और कंसंट्रेशन में भी कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है क्योंकि बहुत समय गुजर गया है। तो काफ़ी दिन से मन था कि स्टूडेंट से बात की जाए और ख़ासतौर से जो स्टूडेंट CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उनसे रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे बात की जाए। तो ये वीडियो मैं ख़ासतौर से उन्हीं स्टूडेंट को डेडिकेट कर रहा हूँ जो स्टूडेंट्स नेट की प्रिपरेशन में हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लॉकडाउन पीरियड में आपको क्या करना है, किस तरीक़ा से इस समय को यूटिलाइज किया जाए, इस पर डिस्कशन दूंगा। साथ साथ एक जो डिस्कशन रहेगा मेरा वो रहेगा कि जो आपको समय मिल रहा है लॉकडाउन पीरियड का उसमें और क्या क्या चीज़ों को कैसे बेटर किया जाए और क्या क्या अपनी प्रिपरेशंस में आप सुधार कर सकते हैं इस ट्यूटेशंस के समय पे। तो कुछ थोड़ी सी प्लानिंग के बारे में भी और कुछ मोटिवेशंस भी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो मोटिवेशंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स को निश्चित तौर से काफ़ी डिस्करेजमेंट और डिप्रेशन इस ट्यूटेशंस में रहा होगा क्योंकि बहुत लंबा समय इसमें गुजर गया है और अभी भी नहीं पता है कि अभी कितना समय और गुजरेगा। तो डिस्कशन मेरा इसी उसके ऊपर है। तो काफ़ी दिन से मन था आज मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले जो मैंने स्वामी विवेकानंद जो मेरे आइडियल रहे हैं उनका एक व्यक्तित्व यहाँ पे छापा है, उन्होंने कहा है कि बुक आर इनफाइनाइट इन नंबर एंड टाइम इज शॉर्ट। तो बुक बहुत सारी हैं हमारे पास, इतनी सारी बुक हैं पूरी दुनिया के अंदर कि वो इनफाइनाइट नंबर में है और समय हमारे पास सीमित है, शॉर्ट समय है। देयरफॉर द सीक्रेट ऑफ नॉलेज इज टू टेक व्हाट इज एसेंशियल। तो जो हमारा सीक्रेट है नॉलेज का वो ये है कि आप व्हाट इज एसेंशियल, आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके लिए एसेंशियल है, क्या आपके लिए बहुत जरूरी है जो आपको पढ़ना है। टेक दैट एंड ट्राई टू लिव अप टू इट। तो उसी को आप पहले, सबसे पहले उसको चूज कर लें कि आपके लिए क्या बेस्ट है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप ऐसा ना करें कि कलेक्शंस बहुत सारा इकट्ठा कर लें और फिर पता चला उन बुकों में खो जाए। तो मैंने क्या देखा है कि CSIR नेट की प्रिपरेशंस में गेट में 5 जस्ट फर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं सबसे पहला यही कहना चाहूँगा इस वीडियो में स्टार्टिंग में कि आप अपने बुक का जो सलेक्शन है वो बहुत अच्छा रखें। तो क्वालिटी कंटेंट्स पर ही आपको पढ़ना है, आपको बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा नहीं करके रखना है, नहीं तो ऐसा होता है कि स्टूडेंट उन बुकों में खो जाता है, इतनी सारी बुक इकट्ठी कर लेता है और फिर क्या होता है कि उन बुकों को पढ़ते पढ़ते वो खुद ही खो जाता है कि अब सिलेबस में कैसे किस तरीका से पेपर को हम हैंडल करें। तो मैं कहूँगा कि आप सेलेक्टेड बुकों को पढ़ें और टू द पॉइंट पढ़ें, उन चीज़ों को ही पढ़ें जो पेपर में पूछे जाने वाली हैं। अब स्टूडेंट सोचते हैं कि पेपर में क्या आने वाला है, तो पेपर में बहुत सारा कुछ आइडिया लगा रहता है जो एक्सपर्ट हैं। जैसे मैं पिछले 20-25 साल से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ तो 25 साल क्योंकि मेरे पास इतना लॉन्ग एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, तो बहुत कुछ आइडिया रहता है कि पेपर में क्या आने वाला है, उसी के आसपास की चीज़ें पेपर में पूछी जाने वाली हैं। जैसे अभी मैंने पीछे वीडियो दी थी जिसमें डिस्कस किया था कि 50 हॉट टॉपिक्स कौन से हैं, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए रखा गया है कि पीछे क्या क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है पेपर के लिए। तो उस वीडियो को देखें, आपको निश्चित तौर से फ़ायदा मिलेगा 50 हॉट टॉपिक्स। और साथ साथ कुछ और ही जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैं इसमें कहना चाहूँगा वो है कि आप अपनी बेस्ट प्लानिंग बना के रखें। आप क्योंकि आपको लॉकडाउन पीरियड में समय मिल रहा है जहाँ आप अपनी प्लानिंग को चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट सोचते हैं कि सर बेस्ट प्लानिंग में हम किन किन चीज़ों पर ध्यान रखें, तो बेस्ट प्लानिंग उसी को कहते हैं कि आपको पता हो कि भाई ये कंटेंट हमें यहाँ से पढ़ना है, यहाँ इस रेफरेंस में ये चीज़ें अच्छी दे रखी हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं इस चीज़ के लिए, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स का मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है, क्वांटम मैकेनिक्स को नेट के लिए कैसे प्रिपेयर करें, EMT को कैसे करें, तो वीडियो को देख लें क्योंकि उसमें पूरी डायरेक्शंस दे दी गई है कि आप कौन सा रेफरेंस में, आपको क्या चीज़ मिलेगी, आपको कौन सी चीज़ किस बुक से पढ़नी है। तो उसे एक आपको दिशा देने के लिए ये चैनल है क्योंकि एक चीज़ सदा जीवन में याद रखें कि हार्डवर्क आपको ही करना है। जीवन में सफलता आप तभी पा सकते हैं जब हार्डवर्क करेंगे, और लेकिन वो हार्डवर्क राइट डायरेक्शन में हो ये हम लोगों का रोल है क्योंकि हमारा जो काम है वो सबसे मेन यही है कि स्टूडेंट को हार्डवर्क के लिए प्रेरित करें और उसे राइट डायरेक्शन पर भी रखें। तो ये जो चैनल है उसका मेन मोटो भी यही है। मैं प्लानिंग पे बता रहा था, तो प्लानिंग में मैंने बताया कि आपको क्या ध्यान रखना है
ओनली वीक पॉइंट मटेरियल मेरा लगातार हर उसके अंदर जब भी मैं गाइडेंस दे रहा होता हूँ सदा ही कहता हूँ कि आपको क्वालिटी कंटेंट को ही पढ़ना है। आप ऐसा ना करें कि इधर उधर की लोकल बुकों पर आप फोकस करना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत सारा मैंने देखा है कि जो पेपर बन के आता है वो जो हमारे स्टैंडर्ड रेफरेंसेज होते हैं, जिनकी मैंने एक वीडियो अलग से अपलोड की है कि आप कौन कौन से रेफरेंसेज पढ़ेंगे कौन सी बुक के लिए, तो उसे देख लें। जिन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने देख लिया तो उन्हें डायरेक्शंस होगी। थर्ड पॉइंट पर मैंने डिस्कस किया है कि लास्ट ईयर के पेपरों को सॉल्व करते रहें। अगर आपने एक बार सॉल्व कर लिया है तो फिर से दोबारा से जाएं उन सॉल्यूशंस पे, और साथ साथ सॉल्यूशन के साथ साथ देख लें, पीछे से प्रिंट देख लें कि कहां कहां से क्वेश्चंस आया है, क्या क्या पूछा जा रहा है, और किस तरीका से एग्जामिनर्स की अप्रोच चेंज हो रही है, और किस किस तरीका से नए नए क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं। तो आप पहले से ही सोच के रखें और ये भी सोच के रखें कि आगे फर्दर क्या पूछा जा सकता है। जैसे ही आप एक टॉपिक तैयार कर लें, सपोज कि आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक तैयार किया ईएमटी का, तो आप देख लें कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चन आता रहा है। सपोज कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिपेयर की है, और तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखें कि आपको जो पीछे पेपर्स हैं वो किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन आए हैं, उन टॉपिकों पर फोकस रखें। साथ साथ ये सोच लें कि उन टॉपिकों के आसपास की चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, जो टॉपिक में क्वेश्चन आया उसके आसपास क्या पूछा जा सकता है उस पर भी ध्यान रखें। क्योंकि जैसे ही आप चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आपका काम पूरा नहीं होता। पूरा काम आपका जब होता है जब आप चैप्टर का पूरा पढ़ने के बाद में ये भी एनालिसिस कर लें कि फर्दर क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। तो नई नई प्रॉब्लम को क्रिएट करने का, नई नई प्रॉब्लम को सोचने का आपके माइंड में जो हर समय पे ये वो हमारे स्टूडेंट को सोचते रहना है कि नई नई प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट की जा सकती हैं। तो क्या होता है कि जो दुनिया के बेस्ट प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं वो दुनिया के बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर भी होते हैं। तो प्रॉब्लम क्रिएट करना सीखें। मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो कंटेंट डाली है जिनमें बताया कि प्रॉब्लम्स कैसे बनती हैं। तो बाकी और आपको लगता है तो मैं कुछ और वीडियो आगे अपलोड करूंगा। तो पैटर्न को समझें, पैटर्न के हिसाब से फोकस करें, और आप टॉपिक्स में हॉट टॉपिक लिस्ट भी बनाते रहें, और पेपर में अगर आपको लगता है कि लास्ट 10 इयर्स में पीछे पेपर्स में ये टॉपिक्स और पूछे गए हैं जो सभी हॉट लिस्ट में नहीं है, तो उन टॉपिकों को भी कर लें, क्योंकि आपके पास समय है इस समय पर। उसके अलावा मैंने डिस्कस किया है फॉलो यूट्यूब एक्सपर्ट चैनल, जो YouTube के ऊपर बहुत सारे चैनल इस समय पर उपलब्ध हैं। तो आप क्या करें कि YouTube के जो कंटेंट्स हैं उन्हें देखें, लेकिन YouTube में भी ये ध्यान रखें कि वहाँ पे आप नॉलेज के लिए ना देखें चैनल को, बल्कि किस चीज़ के लिए देखें, एग्जाम की रिक्वायरमेंट को देखें। क्योंकि स्टूडेंट क्या सोच रहा होता है कि कोई लेक्चर लिया और उसे नॉलेज के हिसाब से पढ़ना देखना शुरू कर दिया, नॉलेज तो हो जाएगी आपको, लेकिन कंपटीशंस की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए हमें जरूरी यह है कि जो कंपटीशंस जो हम देने जा रहे हैं उसको वो फुलफिल करता हो। तो इम्पोर्टेंट है कि जो चैनल जिस एग्जाम के लिए फोकस्ड होते हैं वो उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, तो वहाँ से फायदा मिलता है। क्योंकि नॉलेज पूरे जीवन में गेन करने के लिए आपके पास आगे बहुत समय होगा, लेकिन इस समय पे क्योंकि आपकी प्रायोरिटी नेट क्वालिफाई करना है तो उसी को फोकस में रखें और उसी को ध्यान में रखते हुए चलें। तो ये मेरी एक बेस्ट टिप में इसको मैं कहना चाहूँगा, फोकस ऑन मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस। जो मैं लगातार कहता हूँ कि हॉट टॉपिक्स लें। मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस ये होते हैं कि जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं उनमें से क्या क्या आ रहा है। तो आपने जैसे ही टॉपिक्स किया पूरा कंप्लीट, तो आप देख लें क्या क्या आ रहा है, उसके बाद उन्हें सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद में सोच लें कि आगे फर्दर क्या क्या इन टॉपिकों में पूछा जा सकता है। बाय द वे, आप जैसे देख रहे हैं फेस टू फेस के जब किसी क्वेश्चन आता रहा है तो आप देख रहे हैं कि फेस टू फेस से पिछली बार भी क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन के रिपीटेशंस नहीं है। तो क्या होता है, जैसे उसमें क्वेश्चन में पहले फेस टू फेस ट्रैजेक्टरी सिंपल आ जाती थी, वो फेस टू फेस ट्रैजेक्टरी पूछ रहा होता था तो वन डायमेंशनल पार्टिकल बॉक्स के अंदर है, फेस टू फेस ट्रैजेक्टरी बताइए, तो एक बहुत ही क्वेश्चन बन गया था, स्टूडेंट सभी जानते थे। उसके बाद क्वेश्चन आने लगा मोशन एंड ग्रेविटी पे फेस टू फेस ट्रैजेक्टरी क्या होगा, अब फिर फर्दर क्वेश्चन आने लगे हार्मोनिक ऑसिलेटर की फेस टू फेस ट्रैजेक्टरी क्या होगी, इस तरीके के क्वेश्चन आए। अब और फर्दर आगे पूछने लगा, इस बार जो है वो फ्रैक्शनल फोर्स भी लग रहा था और पूछा था फेस टू फेस ट्रैजेक्टरी क्या होगा, तो क्वेश्चन जो है वो चेंज होता है, लेकिन जो हमारा पेपर है वो फेस टू फेस ही टॉपिक, तो टॉपिक वही रहता है, क्वेश्चन फर्दर बढ़ते रहते हैं। तो आप आगे तैयार रखें कि वो आपके अटेम्प्ट में पूछ चुका है तो फोर्स पे सोचें, उसके अलावा सिंपल पेंडुलम का कैसे होगा, फेस टू फेस ट्रैजेक्टरी कंपाउंड पेंडुलम का कैसे होगा, इस तरीका से देखते चले। तो फेस टू फेस ट्रैजेक्टरी को पूरा डिटेल में करें, फिर पोटेंशियल अगर हमें दे रखा होगा और हमें फेस टू फेस ट्रैजेक्टरी ड्रॉ करनी है तो किस तरीका से करें, तो वो सब चीजें अगर आप लेके चलेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा।
तो मैं इसलिए आपको समझा रहा था कि मोस्ट फ्रीक्वेंट जो आज क्वेश्चन है उन्हें भी सॉल्व करें और उसके आसपास की चीजें भी रखें, और जहां तक क्वेश्चन आ चुके हैं उससे फर्दर आगे तक का भी सोचते शुरू करें। तो फेल स्पेस ट्रैजेक्टरी पर मैं जल्दी कोशिश करूंगा एक वीडियो अपलोड करने की, जिसमें बहुत सारी फेल स्पेस ट्रैजेक्टरी आगे आपको बताऊंगा कि क्या क्या फर्दर पूछी जा सकती है। तो आप पहले से ही पहले प्रिपेयर करके चले इस चीज को, आगे क्या आ सकता है वो आपके लिए आसान होगा, फिर पेपर आपको इजी लगेगा। उसके अलावा बेसिक कंसेप्ट शुड बी स्ट्रॉन्ग। आपको समय मिल रहा है इस समय पे, लॉकडाउन पीरियड मिल रहा है, पेपर पीछे जा रहा है, तो आपको समय मिल रहा है, तो आप बेसिक जो कंसेप्ट आपके जहां जहां से वीक हैं, खासतौर से मॉडर्न फिजिक्स के जो बेसिक कंसेप्ट हैं उसको बहुत अच्छे से करके जाए। तो मॉडर्न फिजिक्स के बेसिक कंसेप्ट को मैं स्पेशल कहूंगा, इसके अंदर जो रेफरेंसेज हैं वो मैं लगातार बताता रहा हूँ स्टूडेंटों को कि बहुत अच्छे अच्छे मॉडर्न फिजिक्स पे रेफरेंसेज मिलते हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स जो है पूछी बहुत जाती है, तो मॉडर्न फिजिक्स पर खास तौर से फोकस करके चलें, ये इंपॉर्टेंट रेफरेंसेज जो इस पर मैंने बता रखे हैं उन्हें फॉलो करें। ग्रेजुएशन बुक कंसेप्ट एंड अप्लाई न्यूमेरिकल ऑल्सो शुड बी फोकस। स्टूडेंट क्या सोचता है ग्रेजुएशन की बुकों को ही पढ़ के नहीं जाता, सोचता है कि तो पीजी का एग्जाम है। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है कि ग्रेजुएशन को निश्चित तौर से रिवाइज करके जाएं, आपको 100% उसका एडवांटेज मिलेगा। तो आप क्या करें कि उसके न्यूमेरिकल पोर्शंस को देखें, थ्योरी को जो हमारी थ्योरी के बेसिक बेसिक कंसेप्टों से तेजी के साथ रिवाइज करें, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को खास तौर से फोकस करें, तो ग्रेजुएशन की बुक जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। मॉडर्न फिजिक्स का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके अलावा तरोताजा होने के लिए आप ऐसा ना करें कि अपनी लाइफ को बहुत बोझल बना दें, थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें, योगा करें, योगा कर सकते हैं सुबह को और थोड़ा बहुत समय शाम को दे सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी पसंद का म्यूजिक है उसे सुनते रहें, क्योंकि लाइफ जो है बोरिंग नहीं होनी चाहिए, डल ना हो लाइफ, तो जो आपको पसंद है म्यूजिक उसको सुने। साथ साथ टीवी पे प्रोग्राम देखें, लेकिन टीवी पे हर समय कोरोना के प्रोग्राम ना देखें, क्योंकि टीवी के कोरोना के प्रोग्राम अगर हर समय देखेंगे तो ये आपके दिमाग में रहेगा, जिससे क्या होगा कि आपकी कंसंट्रेशन जो है वो लैक होगी। तो आप देखें दुनिया के साथ में इंटरेक्ट करते रहें, ऐसा ना करें कि दुनिया के साथ में इंटरेक्शन अगर आपका नहीं होगा तो फिर बोझल होने लगती है लाइफ, तो उसको भी कंटिन्यू रखें। नेचर के साथ इंटरेक्ट करें, सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें और सूरज जिस समय ग्रो करता है उसको देखें, तो उससे आपको निश्चित तौर से जो है अच्छा लगेगा और जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका संचार आपकी बॉडी में होना शुरू होगा। उसके अलावा हर समय पे अपने आप को फिट रखें पॉजिटिव थॉट से, और सोचें कि आप जो जीवन के अंदर बॉर्न हुए हैं वो कुछ बड़ा करने के लिए बॉर्न हुए हैं और कुछ बहुत बड़ा आप करने वाले हैं। तो आपके दिमाग में हर समय पे पॉजिटिव थॉट जो है वो डेवलप होती रहनी चाहिए, नेगेटिव थॉट को अपनी लाइफ से दूर रखने का प्रयास करें, क्योंकि ये भी सक्सेस की बहुत बड़ी की है। साथ साथ मैं लगातार कहता रहा हूँ स्टूडेंट से, ये मैं फिर से कहना चाहूँगा कि मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन वो की है, बेस्ट की है जीवन के अंदर। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने आप को इनर मोटिवेट करें, क्योंकि थॉट तो आपके माइंड में आना ही है, क्योंकि अगर आप थिंकर्स हैं, फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं, तो थॉट तो जरूर आएगा। अब थॉट वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है ये इस पर डिपेंड करता है कि आप अपनी बॉडी को, अपनी थॉट को किस तरीका से, किस दिशा में ले जाते हैं। तो अपनी थॉट को पॉजिटिव में बनाए रखने के लिए इनर मोटिवेट रहें, अच्छे अच्छे कंटेंट इनर मोटिवेशंस के लिए देखें, बड़े बड़े जो अच्छे विद्वान लोग रहे हैं उनके जो मोटिवेशनल लेक्चर्स हैं उन्हें देखें। उसके अलावा प्रेरणा के लिए कलाम साहब की जीवनी को देख सकते हैं, तो आपको निश्चित तौर से प्रेरणा मिलेगी कुछ बड़ा करने की। स्वामी विवेकानंद जो मेरे आइडल भी हैं और जिन्हें मैं लगातार उनके कंटेंटों को पढ़ता रहता हूँ स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, तो ऐसे ऐसे लोगों का जो बड़े लोग हैं जिन्होंने दुनिया की दिशाएं दी हैं उनको देखें। आप जितने ज़्यादा मोटिवेशंस अपने अंदर डेवलप कर लेंगे इनर मोटिवेशंस, तो आप निश्चित तौर से कामयाबी की तरफ प्रेरित होंगे। तो ये मेरे कुछ इम्पोर्टेंट मैं डिस्कशन दे रहा था इस चीज़ पे कि आप तैयारी में क्या क्या चीज़ें फिर से फोकस करेंगे और किन किन चीज़ों पे आप ध्यान बनाए रखेंगे, लॉकडाउन पीरियड को किस तरीका से आप अपने को पॉजिटिव और एनर्जेटिक बनाए रखें। साथ साथ ये भी याद रखें कि जो हर रात है उसकी एक सुबह होती है, ऐसा नहीं होगा कि ये ड्यूरेशन चलता ही रहेगा। निश्चित तौर से कुछ ना कुछ बड़ी कामयाबी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है दुनिया की वो लेके आएगी। मुझे उम्मीद है कि फिजिक्स कम्युनिटी भी इसमें कोई बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगी, क्योंकि जब भी दुनिया के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं फिजिक्स कम्युनिटी और फिजिसिस्ट
निश्चित तौर से उसके अंदर सहभागिता उनकी रहती है, बड़ी सहभागिता रहती है। तो इस समय पर दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, सब अब इस समय पर कोरोना में ही लिपते हैं, पूरी दुनिया उधर ही सोच रही है। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही इससे हम ओवरकम आएंगे, क्योंकि पहले भी मानवता ने बहुत सारी ऐसी तरीका की प्रॉब्लम्स झेली हैं और इंसान ने उसको ओवरकम उससे हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि इससे भी हम निकल जाएंगे, ये भी दौर निकल जाएगा, याद रखें। उसके अलावा कुछ मोटिवेशंस जो मैं लगातार हर वीडियो में देने का प्रयास करता हूँ, इस घंटों को मैंने कुछ लिखा है, कुछ मोटिवेशनल जो चीज़ें हैं। पहली में मैंने लिखा है, ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। जब भी आप बड़ा करना चाहते हैं तो कंफर्ट जोन से कभी नहीं आता। अगर आप सोचते हैं कि लाइफ को बहुत सरल रखें और जीवन के अंदर मेहनत ना करें और सोचें कि कुछ आप बड़ा करने वाले हैं, तो कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। तो जब भी आप कंफर्ट जोन में अपनी लाइफ को जी रहे हैं, तो सोचें कि आप बिग अचीवमेंट की तरफ अपनी लाइफ को नहीं बढ़ा रहे। तो बिग अचीवमेंट अगर आपको लाना है तो उसे कंफर्ट जोन से आपको हटना होगा और आपको उसी हार्डवर्क और पेशेंस और डेडिकेशन के साथ जीवन को आगे बढ़ाना होगा, जिससे आपको अपने बड़े टारगेट अचीव कराए किए जा सकते हैं। तो ये मैंने पहली कोटेशन ली है। दूसरे में मैंने लिखा है, द हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग द ग्रेटर यू विल फील व्हेन यू अचीव। तो आपको जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा हार्डवर्क आप करने लगेंगे तो आपको खुद ही लगने लगेगा कि आप लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, और आपको ये भी लगने लगेगा कि आप लक्ष्य को कब तक पा जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हार्डवर्क आपको करना है। तो यही इन दोनों कोटेशन से आता है कि हार्डवर्क, लेकिन हार्डवर्क इन राइट डायरेक्शन। मेरा आज का मोटो है, मैं जब भी हार्डवर्क कहीं लिख रहा होता हूँ तो हार्डवर्क इन राइट डायरेक्शन मेरा मोटो रहता है। मैं सदा ये लाइन लिखना चाहता हूँ कि हार्डवर्क बहुत सारे स्पेंड करते हैं लेकिन जीवन में सफल नहीं होते, लेकिन ये राइट डायरेक्शन जो है वो आपको जीवन में सफल बनाएगी। तो राइट डायरेक्शन और फोकस वो एक ऐसी चीज है जो जीवन में आपको कुछ बहुत ही बड़े अचीवमेंट दिला सकती है। तो ये मेरा दो क्वेश्चन थे। थर्ड पे मैंने लिखा है, पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। तो आप अपने आप को खुद पुश करेंगे, कोई दुनिया की कोई और शक्तियां नहीं आने वाली हैं जो आपकी लाइफ को ऊपर ले जाएंगी, जो आपको बड़े अचीवमेंट दिलाने वाली हैं। तो अपनी लाइफ को आप बढ़ाना है तो आपको खुद पुश करना होगा। केवल और केवल कुछ पर्टिकुलर लोग आपको सकारात्मकता दे सकते हैं, पॉजिटिव थॉट दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि क्या क्या क्रिबल्स आती हैं, उन क्रिबल से कैसे निकला जाए, लेकिन अल्टीमेट आपको ही अपनी लाइफ को पुश करना होगा। तो ये बड़े महत्वपूर्ण जो मोटिवेशन कोटेशंस मैंने लिए थे। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन जिन्हें मैं लगातार मेरी बुकों पर भी लिखी रहती हैं, वो आनंद प्रेम की ये कुछ चंद लाइन है जिससे मैं इस लेक्चर का समापन करना चाहूँगा। इसमें कहा है उन्होंने, कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा, कोशिश कर हर निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो जो आप कोशिश करते रहेंगे तो निश्चित तौर से कुछ ना कुछ समाधान आएंगे। और इसमें उन्होंने कहा है, कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, आपको कुछ कर गुजरने की कोशिशों को जारी रखना है, और जो जीवन के अंदर कुछ थमा थमा सा है वो जीवन थमा थमा निकल जाएगा और कुछ आप बड़े अचीवमेंट पा जाएंगे। तो आप जीवन के अंदर हार्डवर्क करते रहें, राइट डायरेक्शन पे लगे रहें, मेहनत करते रहें, खुद को इनर मोटिवेट करते रहें, और ये जान लें कि आप जीवन के अंदर अगर स्वयं प्रेरित होते रहेंगे, जीवन के अंदर पॉजिटिव थॉट से फिलअप करते रहेंगे, हार्डवर्क राइट डायरेक्शन में करते रहेंगे, तो आप जीवन के अंदर कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये निश्चित तौर से आपको प्रेरित करेगी वीडियो, और निश्चित तौर से आपको एक डायरेक्शन यहाँ से मिलेगी कि आप किन किन चीज़ों पर अभी फोकस बनाए रखें, और आपको सकारात्मकता देगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो इन्हीं उसके लिए आपके लिए शुभकामनाएं, और मुझे उम्मीद है मैं आगे बहुत जल्दी कुछ और वीडियो आपके सब्जेक्ट के बारे में और मोटिवेशंस पे लगातार देता रहूँगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।